आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना के नए मामलों में आज 18% की गिरावट, पिछले 24 घंटे में 2075 नए केस दर्ज। दिल्ली में कोविड के 140 मरीज मिले पॉजिटिव रेट 0.43%। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 20 मार्च से गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर, अहम बैठक में होंगे शामिल। शेख हसीना ने पीएम मोदी का जताया आभार, यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। जम्मू में आज सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 24वां दिन है। सेना ने यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। इस बीच यूक्रेन के सांसदों ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल सांसदों का कहना है कि सैनिक यूक्रेन के शहरों में बलात्कार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रूसी सैनिक 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं और उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है। यूक्रेन विपक्षी होलोस पार्टी की सांसद लेसिया वासिलेनको ने दावा किया है कि सैनिक 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का रेप कर रहे हैं। वहीं हिंसा से बचने के लिए कई महिलाओं ने यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर ली थी, जबकि अन्य इतनी कमजोर थी कि वो रेप के बाद बच नहीं सकी। तो दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। 24वां दिन है आज युद्ध का। तो वहीं अब यूक्रेन के सांसद ने बड़ा आरोप लगाया है, यूक्रेन में महिलाओं के साथ रेप का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है और यूक्रेन के सांसद ने ये मुद्दा उठाया है और संसद में इस बात को कहा गया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जो जनवरी 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के काफी मामले हैं। संक्रमण के दोनों मौत उत्तर पूर्वी जिलिन प्रांत में हुई है, जिसके बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 4638 हो गई है। चीन में शनिवार को संक्रमण के 2157 नए मामले सामने आए, जो संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से जुड़े हुए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले अभी भी दुनिया में कई जगह सामने आ रहे हैं, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है चीन, वहां पे एक बार फिर कम होने के बाद कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामले फिर से सामने आए हैं, पुष्टि हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, यानी कि अभी जो मौत का मामला थम गया था कोरोना से, वो एक बार फिर सामने आया है। चीन में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जो 2021 जनवरी के बाद मृतक संख्या में पहली बढ़ोतरी दर्ज की है। यानी कि बहुत लंबे समय से कोरोना पे लगाम लग गई थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना का खतरा चीन में देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के काफी मामले सामने आ चुके हैं और संक्रमण से दोनों मौत उत्तर पूर्वी जिलिन प्रांत में बताई जा रही है, जिसके बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4638 हो गई है। तो वहीं चीन में शनिवार को संक्रमण के 2157 नए मामले सामने आए हैं। एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। जहां रोक लग गई थी, एकदम लगाम लग चुकी थी कोरोना के मामलों में चीन में, तो वहीं एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2157 नए मामले दर्ज किए गए हैं, संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से जुड़े हुए ये मामले हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के अविश्वास प्रस्ताव के बीच लगातार राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। पाकिस्तान सेना से लगातार बिगड़ रहे रिश्तों के बीच शुक्रवार को पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने इमरान खान से मुलाकात की। अब इमरान खान ने शनिवार यानी आज दोपहर
बनीगला स्थित अपने घर पर अपनी पार्टी पीटीआई के नेताओं की बैठक बुलाई है। चर्चा गर्म है कि अविनाश प्रस्तावक से पहले ही इमरान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो अविनाश प्रस्ताव की बात चल रही है और लगातार जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है पाकिस्तान में, ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान की कुर्सी अब खतरे में है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के अविश्वास प्रस्ताव के बीच लगातार राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। लगातार अविश्वास प्रस्ताव जताया जा रहा है विपक्षियों द्वारा और जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी और सत्ता दोनों ही खतरे में नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना से लगातार बिगड़ रहे रिश्तों के बीच शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना जनरल बाजवा ने इमरान खान से मुलाकात की। अब इमरान खान ने शनिवार यानी आज दोपहर बनीगला स्थित अपने घर पर बैठक बुलाई है। अपनी पार्टी पीटीआई के नेताओं के साथ बैठक बुलाई गई है और चर्चा गर्म है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इमरान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान की देखने को मिल रही है उससे ये आकलन लगाए जा रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान की कुर्सी अब संकट में है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए मामले सामने आए और 71 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,352 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,61,926 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं कल कोरोना के 2,528 केस दर्ज किए गए थे और 149 लोगों की मौत हुई थी। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और देश में भी लगातार कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। चीन से भी कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। अगर बात करी जाए देश की तो 71 संक्रमितों की मौत हो गई है कोरोना के कारण और एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं जो कि एक खतरे की बात भी है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत भी है। जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई है, ये एक राहत भरी बात है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,352 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,61,926 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं, यानी कि जो रिकवरी है वो भी तेजी से हो रही है। और कल के अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो 2,528 केस दर्ज किए गए थे और 149 लोगों की मौत कल दर्ज की गई थी। यानी कि आज कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें या मौतों की बात करें दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। और बात करी जाए रिकवरी की तो रिकवरी भी बहुत तेजी से हो रही है क्योंकि लगातार देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। लगभग सभी लोगों का पहला टीका लग चुका है सभी लोगों को और दूसरा टीके भी ज्यादातर लोगों को लग चुके हैं। और वहीं बात करी जाए युवाओं की तो युवाओं का भी तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है और अब टीनेजर्स के वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 19 मार्च यानी कि आज होगा, जहां 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ स्थित राजभवन में होगा। भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया पर अपने नए मंत्रियों की लिस्ट शेयर की है। भगवंत मान की ओर से जिन विधायकों के मिनिस्टर बनने की जानकारी दी गई है उनमें हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर और हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला, गुरमीत सिंह मीत हेयर, हरजोत सिंह बैंस, लालचंद कटारूचक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर और ब्रह्मशंकर जिम्पा के नाम शामिल हैं। नए बनने वाले मंत्रियों में एक महिला डॉक्टर बलजीत कौर का नाम भी शामिल है। तो आज इन नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार का। आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिस तरह से कांग्रेस को बेदखल किया सत्ता से और अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। राजभवन में शपथ लेंगे सरकार के सभी मंत्री और भगवंत मान जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, जो एक पंजाब का चेहरा दिया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने जीत हासिल की है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद इस बात की जानकारी दी है, पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कि आज शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ स्थित राजभवन में होगा। भगवंत मान ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है और उन चेहरों की जानकारी दी है जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू के एमए स्टेडियम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे। इस दौरान वो सीआरपीएफ जवानों को संबोधित भी करेंगे। ये पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से शामिल होंगे। उनके जम्मू दौरे की तैयारियों के बीच मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल के डीजी कुलदीप सिंह भी जम्मू पहुंच गए और गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर समारोह स्थल जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। पूरे स्टेडियम को सुरक्षा के 3 चक्रों में रखा गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। कई बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू में सीआरपीएफ जवानों के सीआरपीएफ स्थापना दिवस का समारोह का कार्यक्रम है जिसे आज आयोजित किया जा रहा है। 83वां स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू के एमए स्टेडियम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल होंगे और इस दौरान वो सीआरपीएफ जवानों को संबोधित भी करेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहेंगे। और ये पहली बार है कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। गौतम अडानी का अडानी ग्रुप सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ एक बड़ी डील कर सकता है। खबरों के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक सऊदी अरामको की कुछ हिस्सेदारी भी खरीद सकती है। ब्लूमबर्ग ने इस घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि गौतम अडानी की कंपनी सऊदी अरामको के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट और संभावित सहयोग को लेकर शुरुआती बातचीत के दौर में है। वहीं अडानी समूह कंपनी में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो एक बड़ी पहल है, गौतम अडानी का ये एक बड़ा दाव है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डील संभव हो सकती है और संपत्तियों का हस्तांतरण भी कर सकती है। एक बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप को मिल सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने आज शनिवार को लश्करे तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन साइनी यासीन मलिक शब्बीर शाह मसरत आलम सहित कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। हाफिज को 2008 में मुंबई आतंकी हमले के लिए मास्टरमाइंड माना जाता है। एनआईए कोर्ट ने पाया कि आतंकी फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की ओर से भेजा गया था और यहां तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल भी नापाक मनसूबों को पूरा करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने नोट किया कि घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और खूंखार आरोपी हाफिज सईद द्वारा आतंकी फंडिंग के लिए भारत में पैसा भी भेजा गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।